Hi guys and welcome back to my channel. So guys, अभी यहाँ पे finally morning हो गई है. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं breakfast करने. So let's go with me. Guys, ये हमारे resort का morning weather देखो, कितना fog हो रहा है. अगर गाइज आपको ऐसा वेदर पसंद है ना, तो आप यहाँ पे आना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. पर एक बात है कि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है. तो गाइज नाउ लेट्स हैव आवर ब्रेकफास्ट. Don't feel like having a bad life. Has to kill her with some salt and lime. और यहाँ पे गरम गरम मस्त मेंदू वड़े तले जा रहे हैं. सो गाइज, अब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है. अब हम लोग माथेरन से लोनावला जाने वाले हैं. सो मैं आपको मिलती हूँ तैयार होके. बाय बाय गाइज. सो हम लोगों ने फिर से गुगी पहन ली है. अब हम लोग जा रहे हैं लोनावला. हम लोगों ने यहाँ पे नहाया नहीं है, क्योंकि हम अगर नहाएंगे ना तो फिर से हम लोग गीले ही हो जाएंगे. क्योंकि गुगी जो है ना, वो आपको पूरा कवर नहीं करती है, आपको सिर्फ ऊपर से कवर करती है. इससे नीचे का जो है वो पूरा गीला ही हो जाता है. इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोग अब सीधा लोनावला जाके ही नहाएंगे. हम लोग ने कल जो ये गीले कपड़े पहने थे ना, वही फिर से पहन दिए हैं. सो नाउ लेट्स गो टू लोनावला. हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम लोग घोड़े वाले नहीं कराएंगे. हम चलते ही हमारी होटल से माथेरन स्टेशन तक जाएंगे. वहां से हम या तो घोड़े करवा लेंगे नीचे जाने के लिए, या ई रिक्शा या ट्रेन, जो मिले वो. और हम लोगों ने कूली करवाया था, जो हमारा सामान पहले ही नीचे लेके चला गया था. तो गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे घोड़े करवाए थे माथेरन स्टेशन से नीचे तक जाने के लिए. ये घोड़े जो है वो, जो मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था ना, जहाँ पे हम लोगों ने टॉय ट्रेन ली थी, वहीं पे आपको उतारेंगे. और वहाँ से आपको बाहर निकलना है, और वहाँ से आपको गाड़ी लेनी है जो आपको फिर से नीचे तक छोड़ के जाएगी. गाइज, नाउ इट्स टाइम टू लीव माथेरन एंड गो टू लोनावला. हमको बाय करने बंदर भी आया है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस आई हैव एवर सीन दिस. गाइज, आई होप आप ये जगह पे जरूर आओ. तो गाइज, नाउ इट्स फाइनली टाइम टू गो टू लोनावला. तो गाइज, हम लोग फाइनली लोनावला पहुंच गए हैं. और ये है वो सोसाइटी की एंट्रेंस, जहाँ पे हम लोगों ने हमारा लोनावला का विला बुक करवाया है. और गाइज, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, सोसाइटी की सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट है, क्योंकि ये सोसाइटी जो है वो सुनील शेट्टी की सोसाइटी है. और हम लोग इतने लकी थे कि हमारा विला जो था ना, उनके बाजू में ही राहुल द्रविड़ का भी वीकेंड होम था. सो गाइज, नाउ लेट्स गो एंड लेट मी शो यू के सोसाइटी कितनी मस्त है. यहाँ के विला ये सोसाइटी से भी बहुत शानदार है. वो तो ऑब्वियसली होने ही वाले, क्योंकि पैसे है तो क्या कुछ नहीं हो सकता. ये सब पैसे वालों का खेल है यार. Am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? और गाइज, ये जो आप हट देख रहे हो ना, ये सारे गेम जोन्स है जो हमारे विला के बिल्कुल पास ही बना रखे थे. और यहाँ पे बहुत ही बड़ा गार्डन है. यहाँ पे आपको पूरा गार्डन मिलेगा. वो जो है वो आपका गेम जोन है, ये आपका जिम है. सो गाइज, ये रहा हमारा विला, जिसमें हम लोग दो दिन बिताने वाले हैं. और ये जो आप स्टार्टिंग में जो देख रहे हो ना, ये सर्वेंट रूम है यहाँ का. सो लेट्स गो, लेट्स एंटर दिस ब्यूटिफुल लक्ज़रियस विला. सो गाइज, दिस इज आर एंट्रेंस. एंटर होते ही यहाँ पे डाइनिंग एरिया दे रखा है, जिसके आजू बाजू स्क्वायर शेप में पूल दे रखा है. आप पूल देख के ही सोच सकते हो कि पूल में नहाने का कितना मजा आने वाला है. और गाइज, ये विला में जो देखरेख करते थे पूरे विला की, वो लोग इतने अच्छे थे. हम लोग को इतना मस्त इन लोगों ने खाना खिलाया. हम लोग जो बोलते थे वो ये लोग हमको बना के देते थे. खिचड़ी, मैगी, कुछ भी आप बोले आपको बना के खिला देंगे. अगर गलती से खाना कम भी बन गया ना, तो ये लोग फिर से आपके लिए नए सर से खाना बना के देंगे आपको. इतने अच्छे से हम लोगों की केयर करी इन लोगों ने. मतलब इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू स्टे हियर. गाइज, डाइनिंग एरिया से आगे जाते ये रहा इनका बड़ा सा हॉल, जहाँ पे चेस का घोड़ा भी पड़ा हुआ है. और इन लोगों ने बाहर भी सोफे लगा रखे, आप देख सकते हो, ताकि जिसको अंदर बैठना हो वो आराम से अंदर बैठे, और जिसको बाहर नेचर एंजॉय करना है वो आराम से बाहर बैठे. तो गाइज, लेट मी शो यू कि यहाँ पे बाहर क्या क्या है. यहाँ सोफे के पीछे एक छोटा सा गार्डन जैसा भी दे रखा है, और उसके पीछे एक गेट भी है, जहाँ से आप डायरेक्ट, हम लोग एंटर हुए थे ना, वहाँ पे जा सकते हो. हॉल के बाजू में ही यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम भी दिया है. The way you bite your lips, blush is how you get.
गाइज सोफे के पास जो ये टेबल था ना, ये कोई ऐसा वैसा टेबल नहीं है, लेट मी शो यू। ये टेबल को आप एक मिनी फ्रिज बोल सकते हो, जहाँ पे अब आपकी जो ड्रिंक्स है वो ठंडी कर सकते हो, आइस क्यूब्स रख सकते हो, और उसके बाजू में है ना काफी सारे प्लग्स दे रखे हैं जहाँ पे आप आपका चार्जिंग कर सकते हो फोन का। यहाँ से सब जो इसे सेट कर सकते हो, जैसे एक राइट ड्रॉवर, लेफ्ट ड्रॉवर का टेम्परेचर, दिस वन, इट्स सुपर यार, मस्त वेला है। गाइज नाउ लेट्स गो टू एक्सप्लोर द स्क्वायर शेप पूल, और उसके बाजू में जो गार्डन दिया है वो भी देख के आते हैं। पूल के बाजू में भी यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग एरिया जैसा दे रखा है, जहाँ पे आप आपकी मॉर्निंग टी या कॉफी पी सकते हो। गाइज ये जो आप पर्दे देख रहे हो ना, वो एक रूम है, एक्चुअली वो गेम्स रूम है। मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि वो गेम्स रूम में क्या क्या है। तो सामान रखने की जगह है। सो गाइज इस हॉल के पीछे दो रूम है, अभी हम चलते हैं फर्स्ट रूम देखने, जो कि होने वाला है हमारा गेम्स रूम। ये गेम्स रूम में रिक्लाइनिंग चेयर्स है, और उसके सामने टीवी है जहाँ पे आप आराम से मूवीज सब देख सकते हो। यहाँ पे आप इजीली कैरम खेल सकते हो, और यहाँ पे मसाज चेयर भी है। अब हम चलते हैं हमारा सेकेंड बेडरूम देखने, पर उससे पहले आप देखो इन लोगों ने यहाँ पे घर में ही प्लांट जो है वो बड़ा सा उगा रखा है। गाइज ये है हमारा सेकेंड बेडरूम जो गेम रूम के बिल्कुल सामने है। ये रूम भी काफ़ी मस्त है, और ये रूम के अगर आप पर्दे खोलो ना तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मिनी गार्डन दिखेगा, वो जो हमने पीछे वाले सोफे के पीछे देखा था ना गार्डन, वो वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे हो बैठने की जगह भी दे रखी है, अगर आपको यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करना हो अकेले में तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में आप ब्लैक कांच जैसा कुछ देख रहे हो ना, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान जो होता है जैसे तकिया और वो सब, उसके लिए है। सो गाइज अब हम लोग चलते हैं ऊपर हमारे बाकी के बचे हुए तीन रूम देखने, सो लेट्स गो। सो नाउ लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर दिस रूम। यहाँ पे स्टार्टिंग में कबोर्ड दिया हुआ है जिसमें सब एक्स्ट्रा सामान पड़े हैं, जैसे कि तकिया हो, एक्स्ट्रा चद्दर हो, वो सारे सामान इसमें पड़े हैं। एंड गाइज दिस इज आवर सेकेंड रूम। और ये रहा यहाँ का वॉशरूम। एंड गाइज ये पर्दे के पीछे एक छोटी सी बालकनी दे रखी है, लेट मी शो यू। ये बालकनी तभी खुलेगी जब आप है ना यहाँ से ये लॉक को अनलॉक करोगे। और ये बालकनी का व्यू जो है वो हमने नीचे जब भी गार्डन देखा ना जो हमारे गेम रूम से कनेक्ट होता है, हाँ वो वाला गार्डन ये बालकनी से आपको दिखता है। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड रूम एक्सप्लोर करने, जो कि ये रूम के बिल्कुल सामने है। स्टार्टिंग में वही कबर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, तकिया, चद्दर एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स गो। ये रूम बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने अभी रूम देखा ना ऊपर हमारा सेकेंड रूम, वैसा ही सिमिलर रूम है ये। और ये यहाँ का बाथरूम है, ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है। अब हम चलते हैं ये पर्दे के पीछे बालकनी देखने, और इसका व्यू कैसा है वो देखते हैं। ये बालकनी जो है वो मेन रोड से कनेक्टेड है, जैसे आप देख रहे हो हमारी बस पड़ी है वहाँ पे। बालकनी बिल्कुल हमने सेकेंड रूम में जैसे देखी थी ना बिल्कुल सिमिलर ही है। वो वहाँ पे दूसरा विला है, यहाँ पे सब पूरा गार्डन है, यहाँ पे सब हट बने हुए, वहाँ पे जिम है, गेम जोन है। अब हम चलते हैं हमारा फोर्थ रूम एक्सप्लोर करने। एंड गाइज आप लोग ये देख रहे हो शैंडलियर कितना मस्त है। और ये रहे यहाँ पे नीचे सारे लोग बैठे हैं हॉल में, जो इतना आवाज कर रहे हैं कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। गाइज ये रहा हमारा फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम। ये बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम है, हमने जितने भी रूम देखे ना उन सब में से सबसे बड़ा रूम और सबसे मस्त रूम यही है, लेट मी शो यू। तो गाइज ये रही यहाँ की बालकनी। यहाँ की बालकनी जो है वो बाकी दो रूम से काफी बड़ी है, आप जैसे देख ही सकते हो। ये बालकनी का व्यू जो है वो पीछे का व्यू है, पीछे गार्डन, विला और ये पूल दिखते हैं। और गाइज यहाँ का बाथरूम भी काफी मस्त और काफी बड़ा है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो।
we ain't no amateurs, nah. We got this, rest assured. When I think out loud, there's always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right now. ये रूम में आपको बाथरूम में भी कबर्ड्स मिलेंगे. People sitting by the wall and they're leaning. Somewhere lying on the bed, lost a dreaming. I've been feeling nothing lately when with. So guys, ये था हमारा ब्यूटीफुल सा लग्जरियस विला लोनावला में. अब हम लोग सीधा सब हमारे कपड़े चेंज करके स्विमिंग पूल में जाने वाले हैं. सो लेट्स गो गाइज. आप कभी भी लोनावला आना चाहो और विला बुक करना चाहो तो ये विला जरूर बुक करना. ये विला बहुत ही मस्त है, आपने देखा होगा वीडियो में. इस पूल में जाने से पहले मसाज चेयर जो है वो फाइनली मुझे खाली मिल गई थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा मसाज ही करवा लेते हैं. गाइज आप देख रहे हो ये मसाज चेयर में कितने सारे मोड्स अवेलेबल है. मैंने मसाज चेयर को इतना यूज किया होगा ना कि इतने दिनों की सारी थकान मैंने उतार ली थी. तो माथेरन में चल चल के मेरे पैर जो दुखने लगे थे ना वही मसाज चेयर के बाद बिल्कुल सही हो गए थे. गाइज नाउ इट्स पूल टाइम. अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा नहा धो के. तब तक के लिए बाय बाय. हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. गाइज मैं फाइनली नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ. लेट मी शो यू माय फैशन ऑफ द डे. आई नो दैट समथिंग रियली स्पेशल मेड मी थिंक अबाउट यू. गाइज ये था हमारा लंच जहाँ पे हमने दाल रोटी और भिंडी की सब्जी खाई थी. इतने टाइम बाद हमको ऐसा लगा कि फाइनली हम लोगों ने घर का खाना खाया. लोगों ने आज ब्लैक एंड व्हाइट थीम रखी थी, जैसे आप देख रहे हो सारे कपल्स ने कॉर्ड सेट पहना है सिमिलर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, और हम सारे बच्चों ने ब्लैक शॉर्ट्स एंड व्हाइट टी शर्ट पहना है. मेरे तो चश्मे ही मेरे कपड़े से मैचिंग हो रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने स्पेशली इसके लिए लिए थे. गाइज ये रहा हमारा विला और इसके आसपास का नज़ारा देखो. यहाँ पे बारिश हुई है, इतना मस्त लग रहा है ये. गाइज हमारे नेबर में ही राहुल द्रविड़ का भी वीकेंड होम था. ऑब्वियसली मैं उनके घर में नहीं जा सकती हूँ आपको विला बताने. गाइज यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारी गेम्स भी खेली थी, जैसे आप देख रहे हो अभी हम लोग झींगा खेल रहे हैं. गाइज अभी यहाँ पे काफी रात हो गई और हम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया सोचा कि चलो हम चलते हैं और देख के आते हैं कि सोसाइटी कैसी है. आप देख रहे हो कितना अंधेरा है यहाँ पे. हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं घूमे थे, बस थोड़ा बहुत आजू बाजू घूम के फिर से हमारे विला में आ गए थे. और गाइज यहाँ पे विला इतने मस्त थे ना, मतलब रात को भी वो इतने मस्त लग रहे थे. इतने ह्यूज विला थे तो आप सोच सकते हो वो विला अंदर से कैसे होंगे सारे. तो गाइज हमारा आज का ये व्लॉग यही खत्म होता है. आई होप आपको मेरा छोटा सा अजीब और गरीब सा व्लॉग पसंद आया हो. होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड गाइज कमेंट करके बताना कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था ये व्लॉग का. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.